तुम बालकों ने कुछ ना कुछ उद्दंडता की है। तुम लोगों को मैं एक भी लड्डू नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरी दुकान से। अरे भैया, अपनी बात को निभाना पड़ेगा तुम्हें। जाओ जाकर बड़ी तोला लाओ, और लड्डू नहीं तो कोई अन्य मिठाई तोला में रखो। बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते तुम। काका, हिसाब किताब में मुझे कोई गड़बड़ पसंद नहीं है। तुम लोग भी थोड़ी सहायता करो। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। अरे अब तो मैंने सारी अन्य मिठाइयां भी अपनी दुकान की तुला में रख दी थी, फिर भी ये तुला समान नहीं हो रही है। मैं तो कंगाल हो गया। हे भगवान, हो ना हो, इन बच्चों ने जरूर कुछ जादू किया। नहीं, ये मिठाई वाले काका अपनी बात से मुकर रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि ये हमें अंगूठी के मूल्य के बराबर नहीं अपितु अंगूठी के भार के बराबर लड्डू देंगे। क्यों भैया, बालकों को मूर्ख बना रहे हो तुम। तुम्हें तो उन्हें अंगूठी के मूल्य के बराबर लड्डू देना चाहिए था। तुमने शर्त लगाई तो पूरा क्यों नहीं करते। ठीक है ठीक है, ये सारे लड्डू सारी मिठाइयाँ मैं इन बालकों को देने के लिए तैयार हूँ। तुम छोटे बालकों को कपट से ठग रहे थे, अब सीधे सीधे ये अंगूठी भी बालकों को लौटा दो। अरे ये अंगूठी भी ले लो, किंतु मुझे क्षमा कर दो। देखा काका, कपट का परिणाम, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। आगे से ऐसा अनुचित कर्म करते समय स्मरण रहे कि अनुचित कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। और अब सारे गोकुलवासियों को मिलेंगी काका की दुकान की स्वादिष्ट मिठाइयाँ। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? नंदराज जी, आज तो कान्हा ने कपटी मिठाई वाले को इसके कपट का स्वाद चखा ही दिया। अब समझ गए ना आप, लोभ और कपट से मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, और समझना मैंने तुम्हारे दुकान की सारी मिठाइयां खरीद ली। हे नंदराज, अब मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मिठाई के मूल्य के बराबर मैंने स्वर्ण मुद्राएं ले ली। ये शेष स्वर्ण मुद्राएं अब आप ही रखिए। ऐसे समय में भी आपने मेरी सहायता की, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम सत्य कह रहे हो साहूकार, ये बालक बड़ा ही मायावी लगता है। इसे मारने के लिए शक्ति के साथ बुद्धि का प्रयोग करना होगा। और इस वादी में प्रभु श्री राम ने अपनी छोटी सी आयु में राक्षस मारीच और सुबाहु का वध करके महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। पुत्र, तुम प्रभु श्री राम की कहानियाँ ऐसे सुनाते हो मानो तुम स्वयं प्रभु राम को जानते हो। हाँ माते, मैं श्री राम जी को भली भांति पहचानता हूँ। मेरे कहने का अर्थ है
कि प्रभु श्री राम की अनेकों कहानियाँ मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है और ये कहानियाँ मेरे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से सुनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वनवास के समय प्रभु श्री राम ने सेतु बनाया, रावण जैसे दुष्ट राक्षस को पराजित किया, तब मैं उनके साथ हर्षर था। हाँ महादेव, ये तो है। वानरों की सेना ने श्री राम के वनवास के समय पर उनकी बहुत सहायता की थी। महादुर, हनुमान जी तो प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थे, वो उनके परम भक्त थे। जी जी, जिस प्रकार महादुर प्रभु श्री राम की कहानियां सुनाता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता जैसे महादुत के रूप में स्वयं हनुमान जी हमारे समक्ष बैठकर प्रभु श्री राम के गुणगान गा रहे हैं। हाँ यशोदा, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो यशोदा, आज इसकी कहानी सुन सुनकर रसोई घर तो जाना ही भूल गए। महादेव, तुम कान्हा और बलराम को श्री राम की कथा सुना। चलो यशोदा। जी जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं कथा सुनती जाऊं और सुनती जाऊं। क्या यशोदा, महादेव तो यही है, बाद में सुन लेना, अभी रसोई घर चले। जी जी, बस एक कहानी और सुन ले। पुत्र, शीघ्रता से सुनाओ। कोई ईश्वर के नाम पे कुछ खाने को दे दो, दो दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। रुको मैया, तुम कथा पूरी सुनो, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। पुत्र, थोड़ा भोजन दे दो, अन्यथा उतना धन दे दो जितने में भोजन प्राप्त कर सकूं। काका, इस प्रकार भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं, हमें भोजन सदैव परिश्रम करके प्राप्त करना चाहिए। पुत्र, चाहता तो मैं भी यही काम करके धन कमा सकूं, किंतु कोई भी गांव में मुझे अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मैं कुबड़ा हूं ना, गांव में सब मुझे अशुभ मानते, कोई मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। फिर आगे क्या हुआ पुत्र? फिर क्या, मर्सी गौतम का विवाह ब्रह्मपुत्री परम सुंदरी माता अहिल्या से कर दिया गया। काका, बस इतनी सी बात? एक काम कीजिए, अपने नेत्र बंद करके 3 बार श्री हरि का सच्चे हृदय से स्मरण कीजिए। श्री हरि। किंतु एक बार माता अहिल्या से अनजाने में घोर अपराध हो गया और कुपित होकर गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को पाषाण बना दिया। बरसों तक वो ऐसी शिला बनी रही और जब वहां आकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी चरणों से छुआ तो वो पुनः पाषाण से अपने वास्तविक रूप में आ गए। मेरे प्रभु राघवेंद्र की तो महिमा ही अपरंपार है। जय श्री राम। श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंदा। श्री हरि। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, हम मैं विकृत नहीं रहा। श्री हरि। पुत्र, धन्यवाद, तुमने आज सबसे बड़ा दान दिया। मुझे भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, मैं स्वयं मेहनत करूंगा। धन्यवाद पुत्र, जुग जुग जियो, खूब फूलो फलो। श्री हरि। श्री हरि। अरे लल्ला, कौन था द्वार पर? मैया, द्वार पर एक याचक था। तो तूने उसे कुछ दिया नहीं, उसे खाली हाथ ही भेज दिया? नहीं मैया, मैंने उसे वो दिया है जो उसे चाहिए था। कान्हा,
कभी कभी तेरे बातें मुझे समझ में ही नहीं आती, बात बात पर कहानियां बनाने लग जाता है, तो स्पष्ट क्यों नहीं कहता? अब बस करो ये सब, बहुत कहानियां सुनी, अब रसोई घर चले। चलिए जीजू। को हो क्या गया है? कल ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं कृष्णा को ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, मुझे कृष्णा को मारने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु आज ये शांत है। ये शांत है क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कृष्णा की लीला देख ली हो और उसके हंसी लुप्त हो गई हो? तब क्या होगा जादूगर? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर रुद्रावत सुन लिया ना तो हमेशा के लिए लुप्त हो जाओगे, कुछ भी कहते रहते हो, बिल्कुल चुप। किंतु मुझे रुद्रावत का ये क्यों मुख की भांति खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। महाराज कंस को उत्तर क्या देंगे? ये पता नहीं हमारा कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक योजना है। हा? क्या योजना है? अधिशीघ्र बताओ क्या हुआ। ये तो मैं भी मान गया कि वो बालक अवश्य मायावी है। अरे किंतु ये बात तो हमने ही आपको बताई है ना। किंतु गोकुलवासी ये नहीं जानते कि कृष्णा मायावी बालक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी माया का प्रयोग सबसे छिपकर करता है। और मुझे ना ये दानव की बुद्धि थोड़ी भ्रमित हुई लगती है। वही बता रहा है जो पूर्व में बता रहा था और चिंतन करने में इतना समय व्यर्थ किया। अरे शांत हो जा साहूकार। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा तुमने। परंतु रुद्रावत ये बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है? मैं इसकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाऊंगा। वो सबके समक्ष कोई चमत्कार नहीं कर पाएगा और मैं सारे गोकुलवासियों के सामने वही उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। क्या कहते हो जादूगर? जादूगर मैंने जब इस दानव को प्रथम बार देखा था ना तो लगा नहीं था कि ये दानव बुद्धिजीवी है। अति उत्तम, अति उत्तम। बस रुद्रावत अब हमें इस योजना को किसी भी भांति सफल बनाना है। इस बार कान्हा की वो दशा होगी कि वो अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर पाएगा। अंबे उस पर प्रहार पर प्रहार करके उसका अंत कर दूंगा। लगता है जादूगर अब हमें हमारा प्रतिशोध मिल जाएगा। क्यों महाद्यूत, तुम्हें हमारे गोकुल कैसा लगा? मुझे गोकुल ही नहीं, यहाँ के वासी भी अच्छे लगे। सुनो सुनो सुनो, गोकुल में सुदूर देश से प्रसिद्ध मलयोद्धा कालबली पधारे हैं। कालबली ने अब तक बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी है और अब कालबली ने गोकुल वासियों को चुनौती दी है। यदि किसी ने कालबली को मलयुद्ध में पराजित कर दिया तो मलयोद्धा कालबली उस विजेता को स्वयं 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सुनो 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 सुनो। और कोई है गोकुल में जो मुझे मलयुद्ध में चुनौती दे? अरे क्या गोकुल में कोई भी वीर नहीं है जो कालबली का सामना कर सके?
इतने तगड़े मल्ल योद्धा को पराजित कर दिया कालबलि ने। ये योद्धा तो हार मानने ही वाला है। चल उठ, साहस है तो मुझ पर वार कर। अब ये नहीं उठेगा। और कोई है गोकुल में जो मुझे मल्लयुद्ध में चुनौती दे? कोई नहीं है यहाँ। योद्धावत, तो तुम यहाँ तक मेरा पीछा करते करते पहुँच गए। अरे अरे अरे, हाँ? क्या हो गया है तुम सब लोगों को? सबके सब गूंगे हो गए हो क्या? कुछ कोई बोलता क्यों नहीं? अरे गोकुल की नाक का सवाल है, नाक कट जाएगी गोकुल की। अरे क्या गोकुल में कोई भी वीर नहीं है जो कालबलि का सामना कर सके? और तुम बालकों, तुम तो पूरे गोकुल का दूध दही माखन सब चुरा चुरा कर खाते हो। आज दिखाओ अपना बल। क्या इसी दिन के लिए खाया था इतना माखन चुरा चुरा के? कुछ काम काज के तो हो रही, कम से कम ये चुनौती स्वीकार कर लो तो जाने। समझ गया मैं, तुम सब के सब कायर हो। एक काम करो, कालबलि के समक्ष लिखित में क्षमा याचना करो और गोकुल की नाक कटवा दो सबके तक। गोकुलवासियों, एक सूचना और है। कालबलि ने पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है। अब 100 स्वर्ण मुद्राओं की जगह अब 200 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी जो इस महायोद्धा को पराजित करेगा। है कोई वीर? क्या किसी को भी स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? अरे कोई तो आओ। लगता है सब लोग भयभीत हो गए हैं। तो अब तो हमारे जो पूज्य नंद हैं, हमारे ग्राम प्रमुख, उनको पूरे गोकुलवासियों की ओर से कालबलि के समक्ष लिखित में क्षमा याचना मांगनी होगी। और उसके पश्चात ये सिद्ध हो जाएगा कि सब के सब नंद की भांति कायर हैं, अयोग्य हैं। धनु काका रुकिए। तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये बहुत बड़ा योद्धा है और तुम छोटे से बालक, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। कृष्णा, मूर्खता मत करो। ये योद्धा तुम्हारे शरीर को चुटकियों में मसल के रख देगा। नहीं नहीं कृष्णा, कृष्णा को कुछ हो गया तो? कृष्णा अभी तो बालक है। ओ हो, नंदराज की लाज बचाने सम नंद लल्ला आए हैं, हैं? कृष्णा, तुम युद्ध करोगे कालबलि से? देखो भाइयों, कल अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो कोई मुझ पर दोष मत लगाना। नहीं काना, पुनः लौट आओ। कालबलि को पराजित करना सरल कार्य नहीं है। काना हमारी नहीं सुन रहा है। तुम जाके शीघ्र ही नंद जी को इस विषय में सूचित करो। आप सब मेरी बात तो सुनिए। धनु काका, मुझसे मल्लयुद्ध करने से पूर्व कालबलि को प्रमाण देना होगा कि वो मल्लयुद्ध करने के योग्य है। ओम नमः शिवाय। गोकुलवासियों, इस कथा के पश्चात आप लोग हमारे घर से प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। नंद ने आज शिव पूजा के पश्चात पूरे गोकुलवासियों के लिए प्रसाद का आयोजन किया। आज तुम्हारे पास नंद को अपमानित करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। हम किसी प्रकार प्रसाद को
विषक्त बना देंगे। गोकुलवासियों को मरना होगा और उनकी मृत्यु का कलंक नंदराज पे आएगा। मैं अदृश्य हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए,